हेलो दोस्तों, दिव्यानी होम कुकिंग में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एकदम हेल्दी मूंग की टिक्की, जो एकदम टेस्टी लगेगी और आप सभी को भी बहुत पसंद आएगी। आप सब इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, अगर आपकी डाइट चल रही है तो भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं एकदम हेल्दी एंड टेस्टी मूंग की टिक्की की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की कटलेट, जिसके लिए मैंने मूंग लिए हैं। ये ग्रीन मूंग है और इसको मैंने भिगो के रखा है 8 से 9 घंटे तक। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं और 4 से 5 घंटे तक भी इसको भिगो के रख सकते हैं। और इधर पोहे ले लिए हैं, इसको हमको थोड़ा सा भिगो देना है। मूंग को हम डालेंगे मिक्सिंग जार में और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, ये मैंने 3 हरी मिर्ची ले ली है। बस इसको हमको ग्राइंड करना है। आप देख सकते हैं ग्राइंड हो चुका है अच्छे से मूंग और हरी मिर्ची। आप चाहे तो इसके अंदर अदरक भी ऐड कर सकते हैं अगर आप खाते हो तो। मैंने इसके अंदर खाली हरी मिर्ची ऐड की है। हम इस मिक्सर को निकाल देंगे। इसको ग्राइंड करते वक्त मैंने 2 चम्मच इतना पानी यूज किया था। आप चाहे तो पानी ना भी डाले, ऐसे भी ग्राइंड हो जाएगा। इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ गाजर, आधा गाजर मैंने ग्रेट किया था। हरा धनिया ले रही हूँ। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं अगर आप प्याज खाते हो तो, वो भी बहुत ही अच्छी लगेगी। इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी, आधी स्पून जितनी हल्दी ली है। 1 स्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ, आधी स्पून चाट मसाला। इसी के अंदर भिगोए हुए पोहे ऐड कर रही हूँ। इसको इस तरीके से मैश करके थोड़ा सा डाल दीजिए, इसकी अच्छे से बाइंडिंग आएगी। मूंग की टिक्की बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम क्रिस्पी। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम बाइंड हो गया है, मूंग के अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स भी हो गया है और पोहे भी दिख नहीं रहे हैं। इसको इस तरीके से हाथ में लेके इसकी छोटी छोटी सी आप टिक्की बना सकते हैं और इसको सैलो फ्राई करनी है इस तरीके से। आप चाहें तो डायरेक्ट उसको पैन में भी रख सकते हैं। मैंने एक साइड गैस ऑन कर ली है, पैन हमारा गर्म हो रहा है, तब तक मैं इसको इस तरीके से बनाते जा रही हूँ। वो शाम के वक्त बनाना हो तो भी आप ये बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। आप सभी भी इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। टिक्की हमारी रेडी है, हम इसको सैलो फ्राई करेंगे। पैन हमारा गर्म है, मैं इधर 1 स्पून जितना ऑयल ले रही हूँ, ये बड़ी वाली स्पून है। इस तरीके से इसको रख दूंगी और अभी आपको ये थोड़ी सी हल्की सी गीली लग रही होगी पर ये पक जाएगी। इसको 7 से 8 मिनट लगेगी। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से, एकदम कम ऑयल में आपकी टिक्की एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगी। एकदम गोल्डन ब्राउन करनी है हमको इसको। 4 मिनट इस तरफ पकाया है और 4 मिनट हम इस तरफ पकाएंगे। दोनों साइड से अच्छी क्रिस्पी हमारी टिक्की सिक जाएगी। हमारी एक साथ सारी टिक्की सिक चुकी है। हमारी मूंग की टिक्की दोनों तरफ से सिक चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। चलिए हमारे गर्मा गर्म टिक्की सर्व करते हैं। एकदम क्रिस्पी है, आप सभी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं टिक्की एकदम क्रिस्पी हुई है। अब हम इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करते हैं। अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से ग्रीन चटनी की रेसिपी भी लेके आऊंगी। ग्रीन चटनी के साथ इसको खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये टिक्की। आप सभी भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये किस तरीके से लगती है। आप सभी इसको जरूर एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये टिक्की की रेसिपी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई रेसिपी जानने के लिए दिव्यानीज होम कुकिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।